भी हो, पर मैं ताई को वहाँ किसी से भी मिलने नहीं दूंगा। बहुत मुश्किलों से मैंने उसके दिमाग से वो सारी बातें निकाली हैं। अब मैं दोबारा से उसके दिमाग में वो सब नहीं डालने दूंगा। मुझे डॉक्टर से बात करनी होगी, कहीं ये वहाँ जाए और सब कुछ याद आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। फिर काई अपने डॉक्टर को कॉल करता है। हेलो डॉक्टर, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो काई, क्या बात करनी है तुम्हें? डॉक्टर एक्चुअली मैं ताई को लेकर कोरिया जा रहा हूँ, क्या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अगर उसे कोई याद दिलाने की कोशिश करेगा तो उसे वो सब कुछ याद भी आ सकता है। पर मैंने जो तुम्हें मेडिसिन दी है वो मेडिसिन उसे देते रहना, अगर उसे कुछ याद भी आता है तो वो इससे भूल जाएगी वो सारी बातें। ओके डॉक्टर, बाद में बात करता हूँ। ठीक है गाई, और अपना ध्यान रखना और अपनी वाइफ का भी। ताई, तुम सिर्फ मेरी हो, कोई तुम्हें कुछ याद नहीं दिला सकता। मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं लौटने दूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। शुगर, तुम आ गए? तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने कहा था ना सो जाना। वो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, पर मैंने तो तुमसे कहा था कि सो जाना, तो तुम मेरा वेट क्यों कर रही हो? शुगर, वो मुझे लगा कि तुम आज, मैं आज फिर से ड्रिंक करके आऊंगा। नहीं जिमिन, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करूं? और वैसे भी ड्रिंक करके अपनी हेल्थ थोड़ा ना खराब करनी है मुझे। शुगर, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने ड्रिंक करना छोड़ दिया। क्या मैं तुम्हारे डिनर लगाऊं? क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या मैं तुम्हें खाना दूं? क्या तुम फ्रेश होगे पहले? आज मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, क्या तुम खाओगे मेरे हाथ का बना हुआ? शुगर, तुम ऐसे। देखो जिमिन, मेरा पीछा करना बंद करो, मुझे कोई खाना नहीं खाना है, और वैसे भी कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे फ्रेश होके सोने जाना है, क्योंकि कल मैं जल्दी उठ सकूं और थोड़ा फ्रेश फील कर सकूं। ओके, तो मुझे डिनर नहीं करना, तुम यहाँ से जाओ। पर शुगर, एक बार मेरी बात तो। मैंने क्या कहा? मुझे आराम करना, जाओ। फिर शुगर वहाँ से फ्रेश होने के लिए चले जाता है। शुगर, तुमने तो मेरी बात भी नहीं सुनी, प्लीज। मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा। तुम अभी तक जग रही हो, मैंने कहा ना सो जाओ। अब तुम फ्रेश होके आ गए, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जिमिन, क्या तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? मैंने कहा ना मुझे सोना है, प्लीज तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शुगर, तुम मुझे एक महीने से अवॉइड कर रहे हो, प्लीज एक बार तो मेरी बात सुन लो। क्या मैं यही सुनूं कि ये सब गलत फहमी थी, तुमने गलत देखा, तुम्हें आंखों का धोखा हुआ है, तुम्हें कुछ भी सच नहीं दिखाई दे रहा, यही सब ना? मुझे नहीं सुनना, पर प्लीज एक बार तो मेरी बात सुनने की कोशिश करो, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता शुगर। अच्छा, तो मैंने क्या गलत देखा? मेरी आंखें खराब हो चुकी हैं कि तुम और तुम्हारा दोस्त मेरे सामने क्या कर रहे थे? शुगर, तुम फिर मुझे गलत समझ रहे हो, प्लीज एक बार तो मेरी बात सुनो। प्लीज जिमिन, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे सोने जाना है बस। फिर शुगर जाके सो जाता है। प्लीज शुगर, एक बार तो मेरी बात सुनो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। काई, हम कोरिया तो आ गए पर रहेंगे कहाँ पर? क्या तुम्हें पता है? क्या हम होटल में रहेंगे? नहीं ताई, मेरा घर है यहाँ पर, हम अपने घर पे रहेंगे। क्या, तुम्हारा घर कोरिया में भी है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले, वरना हम यहीं पर रहते। ताई, लंदन में बिजनेस था, उसे भी तो संभालना था ना, इसीलिए मैं कोरिया नहीं आता था, लंदन में ही रहता था। ओके, चलो घर चलते हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो घर चलते हैं। फिर काई और ताई वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। वाओ, फाइनली हम कोरिया आ गए। आ तो गए हैं, पर तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हें पता है ना तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ जुब, और तुम भी टेंशन मत लो, वहाँ मम्मी और भाभी सब मेरा ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जाके बच्चों वाली हरकतें मत करना। जुब, मैं बच्ची नहीं रही, मैं एक मम्मा बनने वाली हूँ, तो आप मुझे बच्चा कहना बंद करो। सॉरी माय स्वीटहार्ट, पर तुम्हारी हरकतें थोड़ी बच्चों वाली हैं। फिर वो दोनों जॉन मेंशन जाते हैं। फिर जिमिन डोर ओपन करती है। जिया, तुम यहाँ? हेलो भाभी। हेलो जिमिन। हेलो जिया, जेहूब, कैसे हो तुम दोनों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जेहूब का नहीं पता मुझे। तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, चलो आओ अंदर। ओके भाभी। फिर वो सब घर के अंदर आते हैं। जिया बेटा, तुम यहाँ कैसे? मम्मा, मुझे आप लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं आ गई। हेलो भाई। हेलो जिया, कैसी हो तुम और तुम्हारा बेबी? मैं, मेरा बेबी, हम दोनों ठीक हैं, और ये सोता रहता पूरे दिन। हेलो जेहूब, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अब मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, मुझे नामजिन को बाहर जाना था, पर तुम आ गई और तुम्हारा बेबी भी, और अब मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। मॉम डैड, आप दोनों जाइए, मैं यहीं रहूंगी, आप मुझसे बाद में मिल लेना। जिया बिल्कुल ठीक कह रही है, चलो जिन हम चलते हैं, लेट हो रहा है। जुगनू भाई,
भाई कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जिया, और तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ भैया, और भाभी कैसी हैं? सॉरी भैया, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके जिया, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? और ये बताओ, तुम्हारा बेबी कैसा है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। जी हो, वैसे जिया तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करती? नहीं भैया, मैं बिल्कुल नहीं करती। तुम अभी भी बच्ची हो। आप लोग बातें करो, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। एक सेकंड, मैं भी आपके साथ आता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि जियो को क्या पसंद है। ओके जियो, आ जाओ। फिर वो दोनों वहां से किचन में चले जाते हैं। वैसे मेरे शैतान कहाँ है? बुआ, बुआ आप आ गई? हाँ, मेरे बंदरों में आ गई। बुआ आप तो पूरी बैलून लग रही हो, मोटी मोटी। मैं मोटी नहीं, इस टमी के अंदर एक बेबी है। आप झूठ बोल रहे हो, आप तो मोटू हो गए हो। बच्चों, आपकी बुआ मोटू नहीं हुई है, वो पूरी गोलगप्पू हो गई है। मुझे तो पहले ही पता था आपके जो दो बंदर है ना, बिल्कुल आप ही की तरह होंगे। बुआ, क्या इसमें सच में बेबी है? बुआ आप तो बहुत सुंदर। ओ मत बोलो, मुझे पता है मैं बहुत सुंदर हूँ। नहीं, आप बहुत सुंदर थे पर अब नहीं हो। मुझे पता था शैतानों के बच्चे शैतानी होते हैं। चलो बच्चे, स्कूल नहीं जाना क्या? चले। फिर जंकू बच्चों को लेकर स्कूल जाता है। कितना मजा आ रहा है ना जिमिन, जेहू से चिपकने में। अपना पहला प्यार, शुभ का सारा ध्यान जेहू पर जिमिन पे होता है। भाई आप वहाँ कहाँ देख रहे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। जरा अपने हस्बैंड और मेरी वाइफ को तो देखो, दोनों साथ में खाना ही तो बना रहे हैं। खाना नहीं, लगता कुछ और भी बन रहा है। क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है मेरी वाइफ तुम्हारे हस्बैंड से इतना चिपक रही है? हाँ देखो भाई, आपको जो बोलना है बोलो, पर मेरे जेहू को कुछ मत बोलना। मुझे अपने जेहू पे पूरा विश्वास है। जिया विश्वास करो, पर इतना भी नहीं कि अंधे हो जाओ। ओ भाई, आप अपने मुंह का शटर बंद करो, आप कुछ भी बोले जा रहे हो मेरे जेहू के बारे में। और भाभी तो कितनी अच्छी है। जिमिन, तो फिर क्या तुम समझ गए, मुझे जिया को सरप्राइज देना है। प्लीज उसे कुछ भी मत बताना, ओके? मैं तुम पे बहुत विश्वास कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा सरप्राइज नहीं खराब करूंगी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी जिया को। फिर जेहू पर जिमिन जिया के पास आते हैं। जिया, मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, खाओगी? ऑफ कोर्स भाभी, इतने दिनों बाद खाऊंगी मैं आपके हाथों का खाना। मुझे सब पता है अंदर क्या बन रहा था और क्या हो रहा था। इतना कहकर शुगा वहां से चला जाता है। तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? तुम छोड़ो ना, आओ खाना खाते हम लोग। तायर, तुम्हें घर कैसा लगा? वाओ, बेडरूम बहुत सुंदर है। क्या ये बेडरूम मेरा है? हाँ ताई, ये बेडरूम तुम्हारा है। आई एम रियली सॉरी काई, तुम्हें मुझसे दूर सोना पड़ता है, क्योंकि तुम जानते हो ना मैं कैसी हूँ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए हम चाहकर भी एक बेडरूम में नहीं सो सकते, वरना मैं तुम्हें हार्म करूंगी और इससे तुम्हें परेशानी होगी। काई प्लीज ऐसा मत सोचो, और मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। थैंक यू काई मुझे समझने के लिए। अच्छा ठीक है, अब मुझे ऑफिस जाना चाहिए, एक मीटिंग है। पर अभी तो हम आए हैं। काई पर मीटिंग भी है ना? वो तो है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ? नहीं ताई, मैं ठीक हूँ, तुम आराम करो और ये मेडिसिन भी ले लो। ठीक है ताई। ओके, अब तुम आराम करो और मैं चलता हूँ। ओके, तुम जाओ और अपना भी ध्यान रखना। ताई तो गया, अब मैं घर पे बोर हो जाऊंगी, इसलिए मैं अभी बाहर चलती हूँ, थोड़ा घूम के आऊंगी। ताई घर से बाहर जा रही होती है तभी उसे गार्ड्स रोकते हैं। वाह, मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं अकेले कोरिया घूमूंगी। एक सेकंड मैम, आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रही हूँ? बाहर जा रही हूँ। आई एम सॉरी मैम, बट मैं आपको बाहर नहीं जाने दे सकता, काई सर ने मना किया है। क्या? काई ने मना किया है? पर क्यों? मैम आपको जहाँ जाना है मैं लेकर जाऊंगा, आप अकेले नहीं जा सकती। मैं काई की कोई डॉल नहीं हूँ जो वो मुझे रोकेगा, और मैं रुक जाऊंगी, मुझे जाने दो। मैम रुको। तुम्हारी इतनी हिम्मत? I'm sorry, वो पर तुम मुझे नहीं रोक सकते। I'm sorry मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर आप बाहर नहीं जा सकती हैं। तो तुम अपने काई सर को बता दो कि मैं बाहर जा रही हूँ। मैम प्लीज रुक जाइए, वरना सर हमें। तो तुम अपने सर को बता देना कि मैं उसकी कोई पपेट नहीं हूँ, जो वो मुझे रोकेगा तो मैं रुक जाऊंगी। पर मैम प्लीज रुक जाइए, प्लीज मैम। बाय, मैं जा रही हूँ। फिर ताय वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फाइनली अब मैं बाहर हूँ, अब मैं अकेले घूम सकती हूँ। वाह मजा आएगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहीं से हूँ। और वो काई, वो मुझे नहीं रोक सकता, मैं कोई इसके पपेट नहीं हूँ या फिर इसके कोई डॉल नहीं हूँ जो वो मुझे घर में बंद करके रखेगा। सच में मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है।
कितने क्यूट बच्चे हैं, छोटे छोटे से। हेलो आंटी, क्या आप यहाँ पर नए आए हो? हाँ बेटा, और तुम सब कितने क्यूट हो, ओह माय गॉड। बेटा मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। क्या आपकी मम्मा अभी तक आपको लेने नहीं आई? नहीं, आप ही मेरी मम्मा हो, आप आ गए। मम्मा मैंने और डैडी ने आपको बहुत मिस किया, आप कहाँ गए थे? आपका काम खत्म हो गया, आप वापस आ गए? बेटा मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, आपकी मम्मा कोई और होंगी। क्या आप मुझे भूल गए? अच्छा ठीक है, मैं आपकी मम्मा नहीं पर मम्मा जैसी तो हूँ ना। हमेशा मुझे डैडी लेने आते थे पर आज आप आए हो। क्या आपको आपके डैडी लेने आते हैं? ओ बच्चा तुम बहुत प्यारे हो मम्मा। काई चलो अब यहाँ से, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। काई व्हाट आर यू डूइंग? काई प्लीज मुझे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ अभी घर चलो। पर काई वो बच्चा। मम्मा वापिस आ जाओ ना, आप कहाँ जा रहे हो मम्मा? बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो और ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? डैडी मम्मा चली गई। क्या आपको मम्मा की याद आ रही है? मम्मा को कोई ले गया। कुकी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा, कहीं कुकी ने कोई सपना तो नहीं देखा? अच्छा आपकी मम्मा आई थी और किसी इम्पोर्टेंट काम से चली गई होंगी। पर डैडी मम्मा को कोई ले गया। अच्छा ठीक है चलो हम घर चलते हैं। ओके फिर जंको कुकी को लेकर घर पे आता है। काई व्हाट इज दिस बिहेवियर, तुम मुझे एक बच्चे के सामने से ऐसे कैसे ला सकते हो? काई मैंने मना किया था ना कि बाहर मत जाना और किसी से बात मत करना। अच्छा तुमने जैसे बहुत अच्छा किया, गार्ड को बोला कि मैं बाहर ना जाऊं, है ना? अब मैं ठीक हूँ काई, इतनी भी मेरी तबीयत नहीं खराब है, मैं अकेले जा सकती हूँ, बाहर घूम सकती हूँ। पर तुम्हारे लिए ये नई जगह है तो तुम्हें घर पे ही रहना चाहिए काई, बाहर नहीं। पर काई मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सब जानती हूँ, इसलिए मैं बाहर गई, थोड़ा घूम के आई हूँ, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अच्छा आई एम सॉरी काई, वो मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है इसीलिए, प्लीज माफ कर दो। तुम बहुत बुरे हो काई, बहुत। अच्छा आई एम सॉरी काई, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया पर आगे से ऐसा मत करना। पर काय तुम ऐसे किसी की मम्मी नहीं बन सकती हो। पता नहीं क्यों पर उस बच्चे ने मुझे टच किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे मुझे कोई अपना मिल गया हो, उसके हक से मेरा हार्ट जैसे मेल्ट हो गया और वो कितना प्यारा लग रहा था। ओके काय पर बाहर किसी से बात मत करना और मिलना भी नहीं। ओके मम्मा ने मुझे क्यों नहीं पहचाना, क्या मम्मा मुझे भूल गई? पर डैडी तो कह रहे थे कि मम्मा मुझे कभी नहीं भूलेंगी, मैं तो मम्मा का बच्चा हूँ ना। कुकी बेटा आप अभी तक नहीं सोए, सो जाओ। मुझे मम्मा के पास जाना है। बेटा ये कैसे जिद है, जब मम्मा के पास टाइम होगा वो खुद आ जाएंगी। नहीं मम्मा मेरे पास आई थी और मैंने मम्मा को किसी भी की थी। पर बेटा ऐसा कैसे हो सकता है कि मम्मा आपके पास? पर मम्मा मेरे पास आई थी। कुकी बेटा अगर ऐसा होता तो तुम्हारी मम्मा सबसे पहले मुझसे आके मिलती। अच्छा ठीक है बहुत बातें हो गई हैं, अब सो जाओ, कल स्कूल नहीं जाना क्या? डैडी पक्का मम्मा मुझसे कल भी मिलने आएंगी, देखना आप। ओके ओके अब सो जाओ। ओके डैडी गुड नाइट। ओके गुड नाइट, सो जाओ, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास जरूर आएंगी। सो जाओ मेरा प्यारा बेटा, मुझे मम्मा के पास जाना है। हाँ मम्मा के पास जरूर जाएंगे। ओके सो जाओ। ओके डैडी गुड नाइट। काश बेटा मैं तुम्हें ये बता पाता कि तुम्हारी मम्मा कभी वापस नहीं आएंगी, भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे पास हमारे बच्चे के पास वापस आ जाओ। I love you, mama. कितना क्यूट था वो, पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना सोच रही हूँ। पहली बार किसी ने मुझे मम्मा बुलाया, पर उसने मुझे मम्मा क्यों बोला होगा? थैंक गॉड गार्ड ने मुझे बता दिया था कि ताई बाहर चली गई है, अब मुझे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अगर ये ऐसे ही बाहर जाती रही तो कहीं ये उन सबसे मिल ना ले।